विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश। तो बताओ ईश्वर क्या है, उनका स्वरूप क्या है प्रभु? तो क्या वो शिव है जिसमें तुम्हारे पति और श्वशुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। उत्तर दो बिहुला, समय नहीं है मेरे पास, मुझे देव सभा में पहुंचने के लिए विलंब हो रहा है। मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकता हूँ मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है, इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे है उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता, वो निराकार भी है और साकार भी, शिव रूप में या देवी रूप में या फिर किसी साधु के ही रूप में। शिव शक्ति नारायण अभेद्य है, विभिन्न रूपों में भी इनका तत्व एक ही है, आवश्यकता अनुसार अनंत रूप है उनके, कभी दुष्टों का संहार तो कभी भक्तों के कर्मों का फल देने के लिए। जैसे आज आप मुझे मेरे कर्मों का फल देने के लिए प्रकट हुए हैं, मेरा भविष्य, मेरा सौभाग्य, मेरे भावी जीवन का सुख आप पर, आपके निर्णय पर निर्भर है कि मैं और मेरे पति आज आगे बढ़ सकेंगे क्या नहीं। पुत्री, तुम्हें इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सर्वथा उचित उत्तर दिए हैं। इस यात्रा में तुमने अनेक कष्ट सहे हैं, तो अब मैं स्वयं तुम्हें यमलोक पार करवाकर देव सभा में ले जाऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आओ पुत्री। अब दीदी मनसा देव सभा में जाने के लिए अवश्य मान जाएंगी। दीदी, बिहुला की यात्रा अवश्य पूर्ण हो गई हो, किंतु आगे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें वास्तविक सफलता देव सभा में ही प्राप्त होगी और उसके लिए आपका वहां होना आवश्यक है। अनुज गणेश, बिना आमंत्रण और देवी पद पाए मैं वहां कैसे जाऊं? एकमात्र बिहुला ही है जिसे मुझ पर विश्वास है, मेरी पूजा करना तो दूर, चंद्रधर मुझे देवी तक नहीं मानता। मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए उन्हें देवी, उन्हें देवी मानने से आपकी शिव भक्ति कम नहीं होगी। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, इस मां के हृदय की आस रख लीजिए स्वामी, इस मां के आंचल कमाल रख लीजिए स्वामी, उसे उसके हृदय के टुकड़े से वंचित मत कीजिए। आपकी पल भर की आराधना, क्षणिक भर की पूजा एक माँ की झोली भर सकती है स्वामी, कर लीजिए न देवी मनसा की पूजा।
कर लीजिए। मैं आज तक शिव पूजा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मात्र शिव पुत्री है वो मेरे लिए, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। और तुम चाहते हो मैं पुनः अपना अपमान और अवहेलना सहने के लिए देव सभा जाऊं? नहीं अनुज, मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। देवी, हमें देव सभा के लिए देवलोक जाना होगा। चंद्रधर और बिहुला की कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नहीं, नहीं। मैं उन्हें देवी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। प्रणाम त्रिदेव। देव सभा में भाग लेना कैसे स्वीकार करेंगी दीदी मनसा? यमदेव कौन है ये और ये यहां तक कैसे पहुंचे? इंद्रदेव वो मैं एक साधारण नारी हूं, एक साधारण पत्नी जिसकी शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा है। देवराज, मैं अपने पति के प्राणों के लिए ये कठिन यात्रा संपन्न कर इस असाधारण देव सभा में आई हूं। मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास कि आप समस्त देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस मिल जाएंगे। प्रभु, मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ। प्रभु, मेरे पति के प्राण उन्हें वापस कर दे। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा करें। मेरे गुहार से हे देवाधिदेव महादेव, अपनी कृपा करें। मेरे पति नित्य पावन मन से आपकी आराधना करते रहे हैं। प्रभु, क्या इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वे एक साथ आप सबके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके? हे महान महिमावान देवी देवता, मेरी गुहार सुने, मेरे सुहाग की रक्षा करे। प्रभु, मेरे पति के प्राण वापस लौटा दे। दीदी, आप वहां होंगी तभी बिहुला के साथ न्याय होगा। वहां जाऊं
किस अधिकार से जाओ गणेश? एक माँ के अधिकार से। माँ मनसा देवी मेरी रक्षक है, मेरी मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं भेजा है। मुझ पर आप सब कृपा करें, मुझे अब आगन नहीं सुहागन बनाकर विदा कीजिए। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं दीदी। जाइए दीदी, जाकर अपनी भक्त अपनी संतान बिहुला की सहायता कीजिए। आप शांत क्यों हैं? मेरी वेदना को अपनी दया का कारण बना ले प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु, इन्हें प्राण दान दे दे। मेरे स्वामी आपके भक्त हैं और इनके पिताश्री अटूट भक्त। मेरी प्रार्थना सुन, इन्हें इनकी भक्ति का फल दे दे। हे जगत माता, हे पालनहार श्री हरि नारायण, हे सृष्टि रचेता ब्रह्मदेव, हे सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, हे महादेव, मुझ पर कृपा करे। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती देवी, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे जगत पिता महादेव, इस भरी देव सभा में मैं बिहुला आपसे आपके भक्त की प्राणों की भीख मांगती हूँ प्रभु। भीख मांगती हूँ। आपको माँ पुकारा है, उन्होंने इतने कष्ट सहकर वहाँ पहुँची हैं, किंतु यदि आप नहीं होंगी वहाँ तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। आप पर उनके विश्वास का अपमान होगा, ये तो नहीं चाहती है ना आप? हे भोलेनाथ, दया कीजिए। मेरे प्रभु को मेरी असीम भक्ति का फल देना ही होगा, मेरे पुत्र को जीवित करना ही होगा। दया कीजिए प्रभु। पुत्री बिहुला, तुम्हारे दुख का अनुमान है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। मेरे प्रभु, मेरे महादेव इतने निष्ठुर नहीं बन सकते, वो बिहुला की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मेरे पुत्र की भक्ति का फल उससे अधिक मेरी परम भक्ति का फल प्रदान करने से मना नहीं कर सकते। प्रभु, आप मेरी पुकार नहीं नकार सकते, आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है।
तुम्हें पुत्री मनसा से ही पूछना होगा। उसी के आशीर्वाद से तुम्हारे पति के प्राण लौट सकते हैं। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं। बाबूजी विश्वास था कि आप मेरी सहायता के लिए चिंता मत करो पुत्री, अब मैं हूं यहां। चिंता कैसे न करूं मां, मेरे स्वामी की दशा देखिए मां, हम आपको ही मेरी चिंता दूर करनी है। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। दीदी, आपकी भक्त, आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है। मुझे ज्ञात है वो मुझसे क्या मांग रही है, किंतु मैं चाहकर भी वो उसे नहीं दे सकती। एक माँ की ममता तो सदैव यही चाहती है कि उसकी हर संतान सुखी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्री, किंतु अभी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुत्री, पक्षपात का आरोप ना लगे इसलिए मैं चाहती हूं, मेरी ममता के कारण नहीं, तुम्हारी योग्यता से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आदेश कीजिए मां, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। पुत्री, तुम स्वयं को अभी भी एक सुहागन के रूप में ही देखती हो ना, तो फिर सुहागन श्रृंगार नृत्य कर अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। सुहागन श्रृंगार मृत, वो भी मृत पति के साथ, ये कैसे संभव? मृत पति की देह के सामने उसकी पत्नी को साज श्रृंगार करना उचित होगा? क्या उसका सुहागन श्रृंगार नृत्य करना उचित होगा? पुत्री, तुम भूखी प्यासी रहकर इतनी लंबी और कठिन यात्रा कर यहाँ पहुंची हो, थकी हुई हो, और ये नृत्य कर सकोगी तुम? श्रृंगार नृत्य पूरे एक प्रहर करना होता है, वो भी बिना रुके, क्या ये तुम्हारे लिए संभव होगा?
भीतर का सामर्थ्य कठिनाई आने पर और बढ़ जाता है। मैं नित्य अवश्य करूंगी, अपने पति के लिए, अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करती रहूंगी। सुहागन श्रृंगार नृत्य केवल पति के साथ ही किया जा सकता है। जब पति ही जीवित नहीं तो तुम कैसे करो? अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। पलक झपकते ही हम उनके सुख से वंचित हो जाते हैं। संकोच मत कीजिए बिहला, यदि आप स्वयं को सुहागन मानती हैं, तो अपने विश्वास पर अटल रहिए। माँ, जब यहाँ तक आने की आपने शक्ति दी है, तो मेरे पति प्रेम को भी बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रहर श्रृंगार के साथ सुहागन नित्य रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि उसे गंभीरता और एकाग्रता से दिया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है।